हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज़ रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको कुछ फ्रेजल वर्ब जिनका प्रयोग हम वाक्य में कैसे करते हैं बताने वाला हूं और उनके अनेक प्रकार के वाक्य बताने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आज का वर्ब है वो स्टे ऑफ। स्टे ऑफ स्टे ऑफ मीन्स से दूर रहना, स्टे ऑफ का अर्थ होता है कि किसी से दूर रहना, किसी चीज़ से दूर रहना, किसी व्यक्ति से दूर रहना। तो दूर रहने के लिए हम स्टे का अर्थ होता है रहना और ऑफ का अर्थ होता है दूर, ठीक है ना। अलग रहना, दूर रहना, ऑफ का यूज़ जो है हम इसलिए करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, फ्रेजल वर्ब बन गया। तो इसका जो यूज़ है हम करते हैं कि किसी चीज़ से दूर रहना। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए कि उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, इसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? स्टे ऑफ हिम, स्टे ऑफ हिम, उससे दूर रहो, कृपया उससे दूर रहो, कृपया उससे दूर रहो, तो कैसे लिखे हैं? प्लीज स्टे ऑफ हिम, कृपया उससे दूर रहो। तो हमें इस तरह से इसका यूज करना पड़ता है। अब देखते हैं इसके आगे वाला जो है सेंटेंस कैसे बनाते हैं स्टे ऑफ के साथ। अब जैसे मान लीजिए अगला सेंटेंस हम लिखें कि उसे परीक्षा के दौरान टीवी से दूर रहना चाहिए, तो इसे हम कैसे लिखते हैं? ही शुड स्टे ऑफ, उसे दूर रहना चाहिए किससे? टीवी से। ही शुड स्टे ऑफ टीवी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये हुआ। उसे परीक्षा के दौरान अर्थात परीक्षा में टीवी से दूर रहना चाहिए। ही शुड स्टे ऑफ टीवी, उसे टीवी से दूर रहना चाहिए। अगर हमें जरूरी लगे कि उसको अवश्य ही उसको टीवी से दूर रहना चाहिए तो हमें यहाँ मस्ट करना होगा, ही मस्ट स्टे ऑफ टीवी, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये केवल एडवाइस के रूप में है। तो हम किसी को राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो ही शुड स्टे ऑफ टीवी, उसे टीवी से दूर रहना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, परीक्षा में, परीक्षा के दौरान कहिए, यानी परीक्षा जब से शुरू हो तब से लेकर आखिर का जो समय है तब तक, इस दौर को हम ड्यूरिंग कहते हैं। ड्यूरिंग का मतलब है अब से लेकर तब तक, यानी के दौरान, ये समझ पा रहे हैं आप? तो ही शुड स्टे ऑफ टीवी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, उसे परीक्षा के दौरान, उसे परीक्षा में टीवी से दूर रहना चाहिए। परीक्षा जब तक चले तब तक उसे टीवी से दूर रहना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए अगला जो हम सेंटेंस लिखें,
कि मैं उनको सलाह देता हूँ कि वे चलती हुई ट्रेन से या बस से दूर रहें। तो इस प्रकार के वाक्य को हम कैसे लिखते हैं? आई एडवाइज, मैं सलाह देता हूँ किसको? उनको। आई एडवाइज देम, मैं उनको सलाह देता हूँ किस बात की? कि दूर रहें। टू स्टे, टू स्टे ऑफ, कि वे दूर रहें। किससे दूर रहें? कोई भी मूविंग, ए मूविंग ट्रेन और बस, ये हुआ। आई एडवाइज देम, मैं उनको सलाह देता हूँ टू स्टे ऑफ ए मूविंग ट्रेन, टू स्टे ऑफ ए बस, टू स्टे ऑफ ए मूविंग बस। आई एडवाइज देम टू स्टे ऑफ ए मूविंग ट्रेन, टू स्टे ऑफ ए मूविंग बस, कि मैं उनको सलाह देता हूँ कि वे चलती रेल से या चलती हुई बस से दूर रहें। ये हुआ। अब देखिए इसके अगला सेंटेंस कि हम स्टे ऑफ का यूज़ किस किस रूप में कर सकते हैं, तो ये आपको सीखना है, देखना है। अगर मैं यह लिखूं कि उससे बात करने से बचो, उससे बात करने से दूर रहो, तो या उससे बात करना बंद करो, तो कैसे लिखते हैं? स्टे ऑफ, स्टे ऑफ टॉकिंग टू हिम, स्टे ऑफ टॉकिंग टू हिम, उससे बात करना बंद करो, अर्थात उससे बात करना, उससे बात करने से दूर रहो, उससे बात करने से दूर रहो, अर्थात उससे बात करने से, यानी बात करना बंद करो या उससे बात करना, बात करने से दूर रहो। ये हुआ, स्टे ऑफ टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने से दूर रहो। तो इसमें जो है ऑफ है, ये एक प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद में हम जेरंड का अक्सर यूज करते हैं, और जेरंड का यूज तभी करते हैं, इसका एक मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए पहले से आप बात करते हुए आ रहे हो, उससे बात करते हुए आ रहे हो, और अब ये आपको सलाह दी जा रही है कि उससे बात करना बंद कर दो। भाई अब तक तुमने काफ़ी बातचीत कर ली है, अब उससे जो है बातचीत करना अब तुम्हें बंद कर देना चाहिए, यानी तुम अब बंद कर दो ये काम, तभी हम जेरंड का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि स्टे ऑफ टॉकिंग टू हिम, उससे बात करना बंद करो, ये हुआ। अब देखिए अगला सेंटेंस, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूँ कि योर लंग्स, आपके फेफड़े, योर लंग्स आर वीक, आपके फेफड़े कमजोर हैं, योर लंग्स आर वीक, आपके फेफड़े कमजोर हैं, you must stay off smoking or wine. Your lungs are weak, आपके फेफड़े कमजोर हो गए हैं, you must stay off, आपको अवश्य ही छोड़ देना चाहिए, आपको अवश्य ही दूर रहना चाहिए स्मोकिंग, धूम्रपान से, या वाइन अर्थात शराब से। तो योर लंग्स आर वीक, आपके फेफड़े कमजोर हो गए हैं, यू मस्ट स्टे ऑफ स्मोकिंग, आपको धूम्रपान से दूर रहना चाहिए, यू मस्ट स्टे ऑफ वाइन, आपको शराब से दूर रहना चाहिए, अर्थात आपको शराब से दूर रहना होगा या आपको स्मोकिंग से, धूम्रपान से दूर रहना ही होगा। तो यहाँ मस्ट का अर्थ है यानी कोई काम अवश्य ही होगा, ठीक है ना। तो
तो यहाँ जरूरी के भाव में हम यह मस्ट करते हैं। यह वाक्य में जब ही का भाव रहता है या अवश्य का भाव होता है तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। चाहिए के साथ ही वाली बात आती है ना, ऐसा होना ही चाहिए, ही चाहिए, तब हम मस्ट यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला देखिए, अब हम यहाँ आपको स्टे के साथ में, अब हम आपको स्टे के साथ में, स्टे के साथ में ऑन का यूज़ बताते हैं। स्टे ऑन, स्टे ऑन, स्टे ऑन, स्टे ऑन स्टैंड्स फॉर, स्टैंड्स फॉर, स्टे ऑन का जो अर्थ होता है वो है पर बने रहना, पर बने रहना, किसी काम पर बने रहना, स्टे ऑन होता है। तो अब क्या है कि हम स्टे ऑन के साथ में वाक्य कैसे बनाते हैं, आप देखिए और सीखिए, अपने दैनिक जीवन में बोलते या लिखते समय यूज़ कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां लिखूं, कि वह हमेशा अपने कार्य पर बना रहता है, वह हमेशा अपने कार्य पर रहता है, अपने काम पर बना रहता है, तो कैसे लिखते हैं, ही ऑलवेज, ही ऑलवेज, अब ये टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ स्टेस कर रहे हैं, स्टेस ऑन हिज वर्क, ऑन हिज वर्क, ही ऑलवेज स्टेस ऑन हिज वर्क, वह हमेशा अपने काम पर बने रहता है, अपने काम पर लगे रहता है, रुके रहता, अपने काम पर रुके रहता है, ये हुआ। अगर मान लीजिए हम इसको यूँ लिखना चाहें कि वह अपने ड्यूटी पर बने रहता है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, ही ऑलवेज स्टेस ऑन हिज ड्यूटी, ये हुआ। वह अपने काम पर बने रहता था तो क्या करेंगे, ही यूज टू स्टे ऑन हिज ड्यूटी, ही यूज टू स्टे ऑन हिज वर्क, तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं। तो ये हुई ना भूतकाल के बारे में। अगर हम इसको कंटिन्यूस में करना चाहते हैं तो ही इज स्टेइंग ऑन हिज वर्क, वह अपने काम पर लगे हुए हैं, वह अपने काम पर बना हुआ है, ये हो जाता है इसका। अगर हम इसको पास्ट में करना चाहें कि वह अपने काम पर लगे हुए था, तो ही वॉज स्टेइंग ऑन हिज वर्क, या फिर ही वॉज स्टेइंग ऑन हिज ड्यूटी, ये हुआ। तो इस तरह से अगर मान लीजिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का अगर हम इसको बनाएं, तो ही Has stayed on his work, वह अपने काम पर लगे हुए हैं, अपने काम पर लग चुका है, इसका मतलब ही हुआ। अब तक देखने के, अब तक देखा गया है कि वो अपने काम पर लगे हुए हैं, इन्हें लग चुका है, लगा हुआ है, ये हुआ। तो आगे देखिए, हम इसको अनेक रूप में बदल सकते हैं। अब जैसे वह अपने काम पर लगा, ऐसे लिखना है कि वह अपने काम पर लगा, तो क्या करेंगे, ऑलवेज को निकाल देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता है, इसलिए अगर अन्य टेंसों भी हम अगर जरूरी हो तो जरूरी समझे तो लगा सकते हैं। तो ही स्टेड ऑन हिज वर्क, वह अपने काम पर था, अर्थात वह अपने काम पर लगा हुआ था, वह अपने काम पर लगा हुआ नहीं था तो ही डिड नॉट, ही अब डिड नॉट को संक्षिप्त में कंट्रेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ही डिडंट स्टे ऑन हिज वर्क, वह अपने काम पर लगा हुआ नहीं था, वह अपने काम पर नहीं था, ये डिड ही स्टे ऑन हिज वर्क, क्या वह अपने काम पर था। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको बनाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, ये चला जाता है आगे। तो विभिन्न टेंसों में इसको आप बना सकते हैं। तो आगे देखिए, अब इसे स्टे ऑन के साथ में आगे अगला सेंटेंस समझिएगा।
अगर मैं कहूं कि प्रगति करने के लिए, उन्नति करने के लिए अपने नियमों पर बने रहो, अपने नियमों पर बने रहो प्रगति करने के लिए, उन्नति करने के लिए, कैसे लिखते हैं आइए, अपने काम पर बने रहो तो क्या करेंगे, स्टे ऑन, स्टे ऑन, स्टे ऑन, स्टे ऑन योर वर्क, अपने काम पर बने रहें, अपने काम पर बने रहें, टू मेक ए गुड प्रोग्रेस, टू मेक ए गुड प्रोग्रेस, ये हुआ, स्टे ऑन योर वर्क, अपने काम पर बने रहें, टू मेक ए गुड प्रोग्रेस, एक अच्छी प्रगति करने के लिए, अच्छी उन्नति करने के लिए आप अपने कार्य पर बने रहें, लगे रहें, रुके रहें काम पर। अब जैसे मान लीजिए हम अगला जो सेंटेंस बनाएं, तो अगर मान लीजिए अब रूल्स लिखना है तो रूल भी यहाँ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम जैसे ऑन दी रूल्स भी कर सकते हैं, ऑन दी रूल्स, नियमों पर बने रहना, तो स्टे ऑन दी रूल्स टू मेक ए गुड प्रोग्रेस, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ योर वर्क कर दिया, तो यानी आपका काम, यानी काम पर बने रहें। अब नियमों पर बने रहना है तो आपको क्या लिखना है, स्टे ऑन दी रूल्स, नियमों पर बने रहें। अब अगर हमेशा नियमों पर बने रहें ये लिखना है तो ऑलवेज स्टे ऑन दी रूल्स, हमेशा नियमों पर बने रहें टू मेक ए गुड प्रोग्रेस, ये हुआ। अब देखिए आगे, अब जैसे मान लीजिए हम आगे बनाना चाहें कि उसका सत्य पर बना रहना असंभव है, यानी सच्चाई पर टिके रहना, सच्चाई पर बने रहना उसके लिए कठिन है, अर्थात असंभव है, तो हम कैसे लिखते हैं, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू, इट इज इम्पॉसिबल फॉर लिखते हैं क्योंकि उसके लिए है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू स्टे ऑन, टू स्टे ऑन द ट्रूथ, ऑन द ट्रूथ, सच्चाई पर, ठीक है ना, सत्य पर बने रहना, टू स्टे ऑन द ट्रूथ, सत्य पर बने रहना इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए कठिन है, ऐसे लिखते हैं इसको, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू स्टे ऑन द ट्रूथ, सत्य पर बना रहना उसके लिए असंभव है, यानी उसके लिए असंभव है, उसके लिए सत्य पर बना रहना असंभव है, तो इस तरह से हम इनको बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आगे हम फोर्थ में अगला जो सेंटेंस बनाना चाहेंगे, अब जैसे कि तुम्हें अपने पढ़ाई पर बने रहना बहुत कठिन लगता है, कैसे लिखते हैं इसको, यू फाइंड वेरी डिफिकल्ट, आपको बहुत कठिन लगता है, उसे बहुत कठिन लगता है, ऐसे लिखना है, तो ही फाइंड्स वेरी डिफिकल्ट, उसे बहुत कठिन लगता है, उसे बहुत कठिन लगती है, तो शी फाइंड्स वेरी डिफिकल्ट, उसे बहुत कठिन लगती है। अगर मान लीजिए हमें बहुत कठिन लगता है ऐसे लिखना है, तो वी फाइंड वेरी डिफिकल्ट, अगर मुझे बहुत कठिन लगता है ऐसे लिखना है, तो आई फाइंड वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। अब उनको बहुत कठिन लगता है तो कैसे लिखेंगे, दे फाइंड वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना, तो इस तरह से लिखना है, तो यू फाइंड वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, आपको बहुत कठिन लगता है, क्या कठिन लगता है, क्या चीज़ कठिन लगता है, अपनी पढ़ाई पर बने रहना, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, टू स्टे ऑन, यहाँ कोई भी आपको जैसे मान लीजिए फोर लगा करके आईएनजी वर्ब लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फोर में हम केवल पर्पस दिखाते हैं, आईएनजी वर्ब दिखाना है तो वो एक विशेष परिस्थिति होती है तब हम लगाते हैं, उसके बिना हम जो है अब इन्फिनेटिव का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इन्फिनेटिव ज़्यादा सुटेबल होता है इसमें। तो यू फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू स्टे ऑन योर स्टडी या ऑन द स्टडी, ठीक है ना, ऑन योर
स्टडी कर सकते हैं, STUDY स्टडी, ये हुआ। तो यू फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू स्टे ऑन योर स्टडी, आपको अपनी पढ़ाई पर बने रहना बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत कठिन लगता है आपको अपनी पढ़ाई पर रुके रहना, अपनी पढ़ाई पर बने रहना, अपनी पढ़ाई पर टिके रहना आपको बहुत कठिन लगता है, ये हुआ। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें जैसे कि हर पल टीवी पर नए रहें, हर पल टीवी पर नए रहें, अगर हम इसको लिखना चाहें कैसे लिखते हैं आइए, क्योंकि मना किया जा रहा है इसमें, तो डोंट स्टे ऑन टीवी, डोंट स्टे ऑन टीवी, टीवी पर ने रहें हर पल, एवरी मोमेंट, हर पल या हर क्षण, डोंट स्टे ऑन टीवी एवरी मोमेंट, हर क्षण या हर पल टीवी पर ने रहें, ये हुआ। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब अगला देखिए कि किस तरह से हम इनको लिखते हैं। ये कि सबसे पहले क्या है कि हमें अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब से शुरू करते हैं, अगर हमारे पास में वर्ब है और वाक्य नेगेटिव है तो हम डू नॉट से शुरू करते हैं, ठीक है ना। अगर हम चाहे तो इसको लेट से भी शुरू करते हैं, नोट वाला चाहे हो लेकिन लेट से भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमें पैसिव में बनाना होगा, पैसिव स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए उसको बनाना पड़ता है। तो इस तरह से वाक्यों को हम अनेक रूपों में बना सकते हैं। तो अब जैसे कि मान लीजिए अगला सेंटेंस हम ऑन पर ही बनाएं, तो कि जैसे अगर हम लिखें कि इसी को लिखें कि डोंट स्टे ऑन टीवी एवरी मोमेंट, जैसे इसमें लिखा है कि हर पल अपनी जो है टीवी पर न रहें, हर पल पढ़ाई पर रहें, बने रहें, ये लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, स्टे ऑन योर बुक, अपनी किताब पर, अपनी पुस्तक पर बने रहो, एवरी मोमेंट। तो इस तरह से हम जो है एक वाक्य को सार्थक यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। कहने का भाव ये है मेरा कि हम कोई भी वाक्य, अगर कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि मीनिंगफुल हो वो, तो मीनिंगफुल बनाने के लिए, अर्थ की सार्थकता के लिए हम इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि वाक्य तो किसी भी प्रकार का बनाया जा सकता है, कोई भी वाक्य बनाया जा सकता है, लेकिन ख़ास करके बस यही है कि मान लीजिए हम जो बना रहे हैं उसको सिर्फ वाक्य की एक सार्थकता को सिद्ध किया जा रहा है, ठीक है ना। किस तरह से हमें इनका यूज़ करना चाहिए यही बताया जा रहा है आपको। अब जैसे मान लीजिए हम इसको अब स्टे ऑन से हटते हैं, अब अगर मान लीजिए स्टे इन लिख देते हैं, तो स्टे इन के अब जैसे मान लो कि हम यहाँ इन लिख देते हैं, जैसे स्टे इन का क्या मतलब होता है, अंदर रहना, ठीक है ना। तो अंदर रहना इसका मतलब हुआ, तो इसका जो है देख लीजिए, स्टे इन मीन्स क्या होता है, अंदर रहना यानी घर में रहना। यहाँ आपको घर लिखना नहीं है, घर लिखेंगे तो आपको एट लगाना पड़ जाएगा, तो इसमें क्या है कि घर में रहना ये हो जाएगा इसका, यानी अंदर रहना या घर में रहना, इसका मतलब अंदर रहने का मतलब है घर में रहना, ठीक है ना, अंदर का मतलब घर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस जो है कि
अगर मान लीजिए मैं यहां लिखूं कि उसने तुम्हें घर में रहने की सलाह दी, उसने तुम्हें, तो कैसे लिखते हैं, ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी किसको, तुमको दी, ही एडवाइज्ड यू टू स्टे इन, ही एडवाइज्ड यू टू स्टे इन, उसने तुम्हें अंदर रहने की सलाह दी, यानी घर में रहने की सलाह दी, ये बात इसमें। अब अंदर रहने के लिए आप इनका यूज़ कर रहे हैं, अगर बाहर के लिए हम यूज़ करें तो कैसे यूज़ करेंगे, इनके स्थान पर हम क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, यहाँ यहाँ क्या लिख देंगे, आउट, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या मतलब होगा इसका, स्टे आउट का अर्थ है बाहर रहना, अब इसका अर्थ क्या होगा, बाहर रहना, तो इसमें देखिएगा यहाँ हम आउट कर रहे हैं, आउट, और इसमें अब घर में रहने की बजाय अब इसमें जो है इसका थोड़ा सा अर्थ चेंज हो जाएगा, बाहर रहना, अब बाहर रहना बन गया, इसका चेंज हो जाता है अर्थ, अगर हम आउट प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो इसका अर्थ चेंज हो गया, बाहर रहना। तो अब जैसे मान लीजिए अब बाहर रहने के बारे में अगर कहा जाए तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि जैसे कि आपको रात भर बाहर नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, आपको रात के समय बाहर नहीं रहना चाहिए, तो कैसे लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए अब यू शुड नॉट स्टे आउट, क्योंकि बाहर रहने की बात हो रही है, यू शुड नॉट स्टे आउट एट नाइट। अगर हम नाइट लिखना चाहते हैं तो एट का प्रयोग करें, अगर हम दी नाइट करना चाहते हैं तो इन लिखना होगा, इन दी नाइट होता है कि, और नाइट लिखेंगे तो दी नहीं लगेगा तो फिर इन भी नहीं लगेगा, एट लग जाएगा, एट नाइट, और अगर हम दी नाइट करना चाहते हैं तो इन लिखना होगा, इन दी नाइट यानी रात में, ये हो जाएगा, रात में तुम्हें बाहर नहीं रहना चाहिए और रात के समय तुम्हें बाहर नहीं रहना चाहिए, तो यू शुड नॉट स्टे आउट एट नाइट, आपको रात के समय बाहर नहीं रहना चाहिए, आपको रात में बाहर नहीं रहना चाहिए तो ऐसे लिखना है, तो यू शुड नॉट स्टे आउट इन द नाइट, ये हो गया। तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इनको बाहर रहने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, और बाहर जो है बाहर रहना इसका अर्थ है बाहर रहना, बाहर मत रहो ऐसे लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, डोंट स्टे आउट, बाहर मत रहो, ये हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये आपका जो है वीडियो कैसा लगा, तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।